हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक बेंचर्स क्लासेस। आज से हम एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो है डेली करंट अफेयर्स। इसमें आपको डेली जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं उसको हम लोग विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज से करंट अफेयर्स क्या क्या हैं। तो आइए सबसे पहले 17th ऑफ अगस्त में क्या क्या करंट अफेयर्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला न्यूज़ है डिफेंस न्यूज़। तो कतर एमीरी नेवल फोर्स जो QENF और इंडियन नेवी, इसका एक एक्सरसाइज हुआ, जॉइंट एक्सरसाइज ज़ैर अल बहर बोल के, ये हुआ पर्शियन गल्फ में फ्रॉम 19th to 14th, और ये सेकेंड एडिशन था एक्सरसाइज का। नेक्स्ट है इकोनॉमिक न्यूज़, जिसमें SBI प्लैटिनम डिपॉजिट स्टार्ट हुआ। ये एक नया डिपॉजिट स्कीम जो SBI ने अभी फ़िलहाल स्टार्ट किया है। HDFC जो है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसने रिसेंटली लॉन्च किया है ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट। इसका एम है कि एनवायरनमेंट को सेफगार्ड कर लेने का, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है एनवायरनमेंट। नेशनल न्यूज़ में पहला न्यूज़ है PM मोदी ने अनाउंस किया है फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्टिफिकेशन का मतलब है स्ट्रेंथनिंग। तो राइस डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथनिंग होगा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से और मिड डे मील से, जो 2024 तक सब जगह पे लागू होगा। इंडिया और वर्ल्ड का पहला म्यूजियम ऑन ट्राम्स, ये लॉन्च हुआ है वेस्ट बंगाल कोलकाता में। स्टेट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत उड़ीसा गवर्नमेंट 3.5 करोड़ लोगों को स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रोवाइड करेगी। 16th ऑफ अगस्त 2021 को पुडुचेरी ने डे हुरे ट्रांसफ़र डे सेलिब्रेट किया। इसको जुरे नहीं डुहरे प्रोनाउंस किया जाता है। कर्नाटक गवर्नमेंट ने रिसेंटली 11 स्कीम लॉन्च किए हैं जो अमृत से स्टार्ट होते हैं, जैसे हैं अमृत ग्राम पंचायत स्कीम, अमृत स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम एंड अमृत स्पोर्ट्स एडॉप्शन प्रोग्राम। खेला हवे दिवस वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 16th ऑफ अगस्त इन वेस्ट बंगाल। विसरल ली मेनियासिस बोल के एक डिजीज़ है जो फीमेल सैंडफ्लाइज के बाइट करने पे होती है, उसको दूर करने के लिए एक थेरेप्यूटिक स्ट्रेटजी अभी फ़िलहाल में इन्वेंट किया है इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, वो है INST ने। सेकेंड लार्जेस्ट जो टेलीस्कोप है वो रिसेंटली इंस्टॉल किया गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद में। अभी कुछ जनरल नॉलेज का बात कर लेते हैं जो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला है कन्वेंशन ऑफ पॉलिटिकल राइट्स ऑफ वीमेन, ये अडॉप्ट किया गया था 31 मार्च 1953 में और ये इफेक्टिव है 7th ऑफ जुलाई 1954 से। कन्वेंशन ऑफ नेशनलिटी ऑफ मैरिड वीमेन, ये अडॉप्ट किया गया था 20th ऑफ फेबररी 1957 से। कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल राइट ऑफ करेक्शन, ये अडॉप्ट किया गया है 31st ऑफ मार्च 1953 से। UN कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ये अडॉप्ट किया गया था 15th ऑफ नवंबर 2000 में। UN कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन अडॉप्ट किया गया था 31st ऑफ अक्टूबर 2003 में और ये इफेक्टिव हुआ है 14th ऑफ डिसम्बर 2005 से। फूड असिस्टेंस कन्वेंशन, ये अडॉप्ट किया गया है 25th ऑफ अप्रैल 2012 से और ये इफेक्टिव है 1st ऑफ जनवरी 2013 से। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे 18th ऑफ अगस्त 2021 का जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का न्यूज़ है वो सब। सिटी बैंक जो है फर्स्ट US बेस्ड बैंक जिसने स्थापना किया है फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर का गिफ्ट सिटी गुजरात में। फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक्सटेंट देखने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में जारी किया है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स का। हर ईयर जुलाई में इस इंडेक्स का पब्लिकेशन होगा। तो FI इंडेक्स के अनुसार 2021 फाइनेंशियल ईयर में हमारा इंडेक्स हुआ है 53.9। अभी नेशनल न्यूज़ देख लेते हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्सेज पूसा दिल्ली में स्थापना हुआ है वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट रिफर्बिश्ड स्टेट ऑफ द आर्ट नेशनल जीन बैंक का। इसका एम है जो फ्यूचर जेनरेशन है उसके लिए प्रिजर्व करना सीड्स को। वेनट केरला के सप्ताह रिसोर्ट एंड स्पा को फर्स्ट 5-स्टार रिसोर्ट इन द कोऑपरेटिव सेक्टर बनाया गया। स्पोर्ट्स न्यूज़ में केटी सेडलियर जो न्यूजीलैंड की एक स्विमर रह चुकी है उनको नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स बनाया गया।
स्टेट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो कर्नाटका ने रिसेंटली आरोग्य नंदना स्कीम लॉन्च किया। इसका एम था जो इम्यूनिटी ऑफ चिल्ड्रन है उसको इम्प्रूव करना। सेथु और पेरम बदवम श्रीधरन जो मलयालम राइटर्स हैं उनको केरला के साहित्य अकादमी फेलोशिप से नवाजा गया। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने नया नया लक्ष्मी भंडार स्कीम घोषित किया है जिसके अनुसार जो फीमेल हेड्स हैं उनको बेसिक इनकम सपोर्ट दिया जाएगा। अभी कुछ जनरल नॉलेज का रिवीजन कर लेते हैं। तो कन्वेंशन ऑन द टेरिटोरियल सी एंड द कंटिजियस जोन ये अडॉप्ट किया गया था 29th of April 1958 को और वो इफेक्टिव हुआ है 10th of September 1964 को। कन्वेंशन ऑन द हाई सीज अडॉप्ट हुआ था ये 29th April 1958 को और ये इफेक्टिव हुआ है 30th September 1962 से। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी UNCLOS ये अडॉप्ट किया गया था 10th ऑफ डिसम्बर 1982 को और ये इफेक्टिव हुआ है 14th ऑफ नवंबर 1994 से। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट रिजल्टिंग फॉर मीडिएशन ये अडॉप्ट किया गया था 20th डिसम्बर 2018 को और ये इफेक्टिव हुआ है 12th सितंबर 2020 से। थैंक्स फॉर वॉचिंग बैक बेंचेस क्लासेस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को दोस्तों तक पहुँचाइए ताकि हमें एनकरेजमेंट मिले और आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ हम रेगुलरली ला पाएँ। थैंक यू गाइज़।